600 से अधिक वीरता पुरस्कार प्राप्त। युद्ध में शामिल बलों को पूर्वी स्टार एवं पश्चिमी स्टार से भी सम्मानित किया गया। इस युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के द्वारा प्रदर्शित वीरता को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसे डीप्स ऑफ गैलेंट्री 50 ईयर्स ऑफ 1971 विक्ट्री नामक पुस्तक के माध्यम से पूरा करने का कार्य इतिहास विभाग ने किया है। आज तक हमारी जितनी भी सीमाएं हैं, चाहे वो थल सीमा हो, समुद्री सीमा हो या आकाश की सीमा हो, उनको सही तरीके से 5 से 10 मिनट में ना मुझे पता है 5 से 10 मिनट में दुश्मन के किसी भी कार्रवाई को विफल करने में लगातार कार्रवाई की है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले सालों में हम जिस तरह से अपनी सैनिक की कार्रवाई की प्रक्रिया में जॉइंटनेस के जरिए इंटीग्रेट करते हुए बदलाव लाने जा रहे हैं, इससे हम आज देखा है कि 5 हमारे जो मेन पास हैं हमारे एरिया में, हम वहाँ पे माननीय रक्षा मंत्री जी ने आज ध्वजारोहण के लिए फ्लैग ऑफ किया है। ये 5 हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े पासेस हैं, खारदुंगला पास, सोजिला पास, नमेकला, फोतुला और सिरसिरला पास। इन पासेस पे ये पार्टीज यहाँ से मार्च करके आज मूव करी हैं और 15 अगस्त को यानी परसों यहाँ पे ध्वजारोहण किया जाएगा। यही आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में बाकी के जो हमारे प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, सबसे पहला जैसे ये ध्वजारोहण हुआ है, 5 मेडिकल कैंप हमने कारगिल क्षेत्र में किए हैं। इसके अलावा हमने 5 स्कूलों में जहाँ हमारे आज़ादी की लड़ाई के बारे में हमने ज्ञान दिया है और बॉर्डर रोड्स का जो योगदान रहा है इस एरिया में, इसके बारे में बताया है। इसके अलावा हम 10 क्षेत्रों में थोड़ा पेड़ लगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेगा। रोड सेफ्टी का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, रोड सेफ्टी के बारे में ज्ञान देना, ये इस महीने से शुरू होकर ये अगले अगस्त तक इसका प्रोग्राम चलेगा।